हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख है और रोजाना लाखों कुंटल कूड़ा शहर से निकलता है, लेकिन नगर निगम द्वारा बेहतर व्यवस्था न होने के कारण ये कूड़ा टचिंग ग्राउंड में सही से निस्तारित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि कूड़े का ढेर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिरने लगा। रामपुर काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग में हल्द्वानी आंवला चौकी के पास बने टचिंग ग्राउंड से कूड़ा न सिर्फ हाईवे तक आ रहा है बल्कि भावी दुर्गंध से आसपास के इलाकों का हाल भी बुरा है। इसका असर पहाड़ जाने वाले पर्यटकों पर भी पड़ता है, लेकिन सालों से यही समस्या होने के बाद भी नगर निगम आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाया। हालांकि मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि बरसात के समय कूड़ा गीला होने की वजह से कूड़े की गाड़ियां टचिंग ग्राउंड के भीतर नहीं जा पाती, इसलिए ऐसे हालात है जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। बरसात में कूड़ा गीला हो जाने के कारण हमारी गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती है, इस कारण से कई बार कूड़ा सड़क के किनारे आ जाता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही बरसात रुकती है यहाँ से कूड़ा हटा करके पीछे शिफ्ट किया जाए और हाईवे को खाली कराया जाए।